मुर्गी को खोला है ना जैसे, तो अपने खुडे के अंदर तो आज आपने देखा है उसने अंडा नहीं दिया, तो जहाँ पे अंडा देती है ना वहाँ पे बैठी हुई है। तो आपको दिखाता हूँ, आज मैं भी पहली दफ़ा देखा हूँ कि अंडा कहाँ पे देती है, क्योंकि घर वाले उठाते थे अंडा, तो आपको आज दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। जिस भाई ने दोस्त ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार। जिस तरह मोहब्बतें बांट रहे हैं इसी तरह मोहब्बतें बांटा करें यार। माशाल्लाह जी, आज जो है ना हमारे कमाद के ऊपर डॉगी सोया हुआ है। उठे, उठ जा। आज कमाद जो है ना थोड़ा बहुत है, तो बहुत सा कमाद जो है ना हमने काट के इधर रखा हुआ है, देखें माशाल्लाह जी। और बहुत सा कमाद जो है ना आप हम अपनी भैंसों को भी खिला रहे हैं माशाल्लाह। तो खा पी के अब तून होके बैठी हुई हैं, कोई भैंसों को कोई कमी बेशी नहीं है माशाल्लाह जी। घास देखें धड़ाधड़ लगा हुआ है बंदर के अंदर, तो घास की कमी नहीं है इनको आप, क्योंकि घास बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये देखें अम्मी जान जो है ना चूल्हे बना रही हैं, एक दो और ये तीन, चौथी बनी हुई है ये देखें, ये रखी हुई है। और एक जो है ना हमारी भैंस ने तोड़ के रख दिए, ये देखें ये टूटी हुई है। और ये जो है ना गाची पड़ी हुई है, मतलब मिट्टी जिसके ज़रिए ये जो है ना चूल्हे वगैरह तैयार होती हैं। शगना भी बैठा हुआ है आज खामोश होकर चुप करके बैठा हुआ है, क्योंकि इसको भी सुबह सुबह जो है ना चारा डाल देते हैं, तो मुझे जो है ना मौका नहीं मिलता भैंसों को डालने का चारा, क्योंकि हम सोए होते हैं और जब सुबह उठते हैं तो माशाल्लाह बंदरे वगैरह भाई वगैरह जो है ना भर के रख देते हैं, और सुबह सुबह घास भी काट देते हैं, क्योंकि उनको जाना होता है छिलाई के ऊपर। कमाद की छिलाई स्टार्ट हो चुकी है, तो दो भाई जो है ना वहाँ पर उनके साथ जो है ना शामिल हैं, छिलाई कर रहे हैं। तो आज देखते हैं जी अपनी मुर्गी को खोलते हैं, आया कि इसने आज अंडा अंदर दिया है कि नहीं, देखते हैं चेक करते हैं जी। आपको भी दिखाता हूँ, तो अब निकालने लगा हूँ जी अपनी इन मुर्गियों को। ये मुर्गा, इसको मैंने कहा भी था कि इसको ना अलहदा बांधो, लेकिन आज मेरे ख्याल में अंडा नहीं आया, आज अंडा शंडा नहीं है जी, आज अंडा नहीं है। देखते हैं कब देती है, कल तो इस टाइम दे दिया था अंडा, आज अंडा नहीं है बिल्कुल भी। तो कुड़क पे भी नहीं बैठ रही, पता नहीं कब कुड़क पे बैठेगी, तो मैं अंडे इसके नीचे रखूं। तो अभी देखते हैं जी अंडा कब देती है, तो आज पूछूंगा घर वालों से क्या आया कि इसने अंडा दिया है कि नहीं, जब दोपहर का टाइम आएगा, क्योंकि मैं तो अपने काम पर चला जाऊँगा। तो अभी इनको भी खोल लेते हैं बैर। नहीं हाथ में आता, भाग जाता है। इसको मैं कहता हूँ सेल आउट कर दूँ, क्योंकि उनको किसी को खाने नहीं देता। पर सुबह सुबह जो है ना ये चाय वाले पोग खा रहे हैं, देखें डरता भी है मुझसे और खाता भी है, ये औरों को खाने नहीं देता। पर ये ब्लैक वाली मुर्गी जो है ना बहुत लेजी है, और जो है ना इधर उधर खाने में जो है ना बहुत कमी बेशी होती है इसकी, ये सारा कुछ ये खा जाते हैं, ये देखें दोनों, एक ये और एक ये ब्लैक वाला तो किसी को खाने नहीं देता ना। वीवर मुर्गी को खोला है ना जैसे, तो अपने खुडे के अंदर तो आज आपने देखा है उसने अंडा नहीं दिया, तो जहाँ पे अंडा देती है ना वहाँ पे बैठी हुई है। तो आपको दिखाता हूँ, आज मैं भी पहली दफ़ा देखा हूँ कि अंडा कहाँ पे देती है, क्योंकि घर वाले उठाते थे अंडा, तो आपको आज दिखाता हूँ। वो देखो ये आ गई है वहाँ से उठ के, देखते हैं जी वहाँ पे अंडा दिया है कि नहीं इसने। तो ये अंडा मिल गया हमें, अंडे पे अंडा दे ही जा रही है, पता नहीं कब कुड़क होगी और अंडे के ऊपर बिठाएंगे तो इसको जो है ना बच्चे इसके निकलवाएंगे हम बाहर। तो अभी जो है ना ये अंडा इसने दिया है देखें, तो अभी खाने पीने के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो अंडा वहाँ पे दिया था, तो मैं जो है ना देर पहुँचा आपको दिखा सकता था, लेकिन क्या है इसने अंडा दे दिया, अब खाने के लिए भाग रही है। तो इसको डालता हूँ जी जो दाना पानी है, यहाँ पे रख रहा हूँ इसके अंदर, क्लोज करके इसको अंदर रख देता हूँ। एक और अंडा आ गया अंदर, तो इसको बंद कर देता हूँ जी यहाँ पे। अब मुर्गी को जो है ना दाना पानी डालता हूँ।
मिट्टी पे डाल रहा हूँ सारा कुछ, तो खा लेंगे यहाँ पे बाद में। कुछ नहीं है छापर के अंदर, खा लिया। वीवर गंदम वाले दाने जो है ना, मैं अपने शगने को रख रहा हूँ और मुर्गी भी मेरे पीछे आ रही है, तो यहाँ पे खा लेगी वो भी दाने शगने के साथ। चुन चुन के खा लो, करकट है ना, जो करकट बच जाते हैं ना वो यहाँ पे इसको जो है ना शगने को भी रख रहा हूँ अपने को, और ये मुर्गी भी खाए जा रही है। तो आपको उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी किया करें यार, वीडियोस को शेयर किया करें आगे अपने फैमिली मेम्बर के अंदर। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाएं और कमेंट लाजमी किया करें, लाइक भी किया करें वीडियोज़ को यार। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नए व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।